point charges q1 is equal to plus 0.2 coulomb and q2 is equal to 0.4 coulomb are 0.1 meter apart. Find the electric field at midpoint between the charge. Second, a point on the line joining q1 q2 such that 0.05 meter away from q2 and 0.15 meter away from q1. ओके, देखिए हमको यहां पे क्या गिवन है बच्चों, मिड पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक यहां कहीं निकालनी है जो कि q2 से कितना डिस्टेंस हो 0.05 और q1 से कितना डिस्टेंस हो 0.15 मीटर. ठीक है, तो हमें इन दो पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. तो बच्चों हमको क्वेश्चन गिवन है कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और दोनों एक दूसरे से 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं. ठीक है, हमको इन दोनों के मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है और Q2 से 0.05 मीटर की डिस्टेंस पर, Q2 से कितनी डिस्टेंस पर 0.05 मीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. तो जब Q2 से 0.05 होगा तो Q1 से कितना हो जाएगा 0.15 मीटर. ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, तो चलिए चेक करते हैं. तो पहले हम P1 पे निकालेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे एट पॉइंट P1. कैसे करेंगे बच्चों P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो देखिए होता क्या है, हम Q1 चार्ज की वजह से फील्ड निकालेंगे, फिर हम Q2 चार्ज की वजह से फील्ड निकालेंगे, फिर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तब हमको पता चलेगा कि हाँ Q1 पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, P1 पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 चार्ज. ठीक है, तो Q1 से, तो बेटा देखिए ये 0.1 मीटर है तो ये आधी डिस्टेंस होगी क्योंकि मिड पॉइंट कह रहे हैं, हाफ कितना हो जाएगा ये, इसको R1 से लिखिए तो ये हो जाएगा 0.1 का आधा, मतलब ये बचेगा 0.05 मीटर. सेम ऐसे P2 से इधर का अगर हम देखेंगे तो ये भी क्या मिलेगा R2 0.05 मीटर. ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे देखिए यहां से, ये मिल गया 0.05 मीटर. बच्चों पहले चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सोचिए E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपान R1 स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, ये आएगा 9 × 10⁻⁹ Q1 0.2 अपान R1 स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर करो बेटा कितना आएगा 0.0025. ठीक है, E1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1.8 × 0.25 × 10⁻⁵. देखिए 9 यहाँ पे है, पॉइंट इधर ले गए तो क्या हुआ 10⁻⁻² अलग आ गया भाई, ये पॉइंट इधर ले गए दो यहाँ पे आ गया. देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो आएगा, अब हम कैंसिल कर लेते हैं तो क्या होगा बच्चों, ये 7 टाइम डिवाइड होगा 7.2 × 10⁻¹ⁱ ये माइनस टू है ऊपर गया तो क्या हो गया प्लस टू, तो 9 पहले से था प्लस टू ऐड हुआ तो कितना हो गया 11 न्यूटन पर कूलाम. ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई एट P1 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज. अब सेकंड से कितनी निकलेगी सोचिए, फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P1 ड्यू टू Q2 चार्ज कितना निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा K Q2 अपान
वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू टू अपान आर टू स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसको, वन अपान फोर पाई तो नाइन टू टेन की पावर नाइन, क्यू टू, क्यू टू कितना है भाई 0.4, अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये 0.05 और इसका करेंगे होल स्क्वायर, तो E2 हमारे पास कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 3.6 अपान 0.25 वैसे ही, और इंटू 10 की पावर यहाँ क्या बचेगा माइनस 2, यहाँ 10 की पावर 9, क्यों, क्योंकि देखिए 0.02025 बचेगा, दो पॉइंट उधर ले देंगे 10 पावर माइनस 2 बच गया जैसे यहाँ पे किया। ठीक है, तो E2 कितना आएगा बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 14.4 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलाम। देखिए हमको P1 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, कैसे करेंगे भैया, पहले वाले चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी क्योंकि आउटवर्ड होती है प्लस की वजह से, यहाँ भी प्लस है इसकी वजह से इधर जाएगी, ये क्या होगी इधर आउटवर्ड होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लिख देंगे यहां पे, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी वन, ये कितना आएगा बच्चों, इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, क्यों, क्योंकि बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बड़ा कौन है देखिए E2, इसमें E1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आएगा E net, ये आएगा बच्चों E2 14.4 into 10 की पावर 11 माइनस 7.2 into 10 की पावर माइनस 11, तो E net की वैल्यू यहां से आ जाएगी 7.2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर कूलाम। This is the net electric field intensity at P1. अगर कोई हमसे ये कह देता कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो देखिए डायरेक्शन किसकी होगी, जब दो अपोजिट वेक्टर होते हैं तो रिजल्टेंट तो उनको घटा के निकालते हैं, डायरेक्शन किधर लेते हैं, तो डायरेक्शन लेते हैं बड़े की तरफ, जब दो अपोजिट फोर्स लग रहे हों, इसको दो फोर्स खींचे किधर से किधर से, तो कौन ले जाएगा, जिस जो फोर्स ज़्यादा लगा देगा, तो नेट उधर होता है जिधर की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती है, तो देखिए जब अपोजिट में लग रहा है तो डायरेक्शन किसकी होगी, किसके हिसाब से, तो E2 के हिसाब की होगी, E2 किधर था Q1 की तरफ, इसका मतलब जो E net होगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम P2 पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे एट पॉइंट P2, ठीक है, P2 पे क्या होगा बच्चों, यहां पे भी पहले वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर दूसरे की वजह से निकालेंगे, फिर उन दोनों का नेट निकाल देंगे, तो P2 के लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P2 ड्यू टू Q1, पहले चार्ज की वजह से, तो बच्चों जब पहले चार्ज से लेंगे ना, तो पहले चार्ज से डिस्टेंस भी इस पॉइंट की ली जाएगी, ये डिस्टेंस क्या है, इसको हम आर डैश कह देते हैं, और दूसरे चार्ज से इस डिस्टेंस को बच्चों हम इसी समय क्या कह देते हैं, आर डबल डैश। तो पहले चार्ज से क्या आएगा फार्मूला यहाँ पे, ई वन इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, यह डिस्टेंस कितनी है, आर डैश का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे, E1 क्या आएगा बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 देखिए कितना है 0.2, डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए तो 0.15 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 0.025, ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये हमें क्या मिलेगा बच्चों, देखिए पॉइंट हटा दें, ये पॉइंट हटेगा 10 की पावर 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, देखिए यहाँ चार जीरो करने बढ़ने चाहिए थे क्योंकि ये 4 पॉइंट था, यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ 4 नंबर थे,
जब हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर 4 पावर बढ़ेगी लेकिन 1 पावर यहाँ से कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ भी पॉइंट था, तो 10th पावर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो बचा कितना, इसको डिवाइड कर सकते हैं कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 25 टाइम्स, यानी कि आया 2/25 × 10^12। या हम कह सकते हैं E1 = 0.8 × 10^10 न्यूटन पर कूलाम। तो ये क्या आ जाएगा E1, इसको E1 ना कह के बच्चों E' कह लो, इजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, E' आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 8 × 10^10 न्यूटन पर कूलाम। अब देखिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q2 एट P2, Q2 चार्ज की वजह से P2 चार्ज पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से अब हम क्या करेंगे, E डबल डैश लिख देंगे इसको, 1/4πε0 चार्ज Q2 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस क्या है, R" का होल स्क्वायर। तो बच्चों E" कितना आएगा आप सोचिए, तो आएगा 1/4πε0 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 9 × 10^9 Q2 कितना है 0.4 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा वही 0.0025। बच्चों जब ये पॉइंट से पॉइंट हटाओगे ना तो 10^10 उसी तरीके से माइनस का प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब E" कितना आएगा बच्चों, 36/25 × 10^12 या E" आ गया 1.444 × 10^11 क्या आया 11, या गया 1.44 × 10^12 न्यूटन पर कूलाम। सॉल्व किया या गया, बच्चों हमको तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। देखिए पहले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसी होगी आउटवर्ड, दूसरे की वजह से कैसी होगी आउटवर्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ई नेट, ये क्या आएगी E' + E" जोड़ दो, क्या आएगा बच्चों E' कितना आया है 8 × 10^12 10 + 1.44 × 10^12 सोचिए कितना आएगा। तो जब यहाँ 10^10 है तो यहाँ भी पहले 10 बना लीजिए, तो क्या होगा 2 इधर आ जाएगी 144 हो जाएगा, 144 में 8 ऐड हो जाएगा, क्यों ऐड हो रहे हैं ये दोनों, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में, इस वजह से। तो 144 में ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 152, इसका मतलब इस समय जो ई नेट आएगा वो आएगा 152 × 10^10 और 1.52 × 10^12 न्यूटन पर कूलाम। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 1.52 × 10^12 न्यूटन पर कूलाम, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, अवे फ्रॉम Q1 एंड Q2, दोनों से दूर होगी। ठीक है, ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।